चलिए दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल से पता होगा कि आज की वीडियो किस टाइप की वीडियो होने वाली है। आज बेसिकली मैं आप सभी को यूट्यूब के सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सीक्रेट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद हम में से बहुत सारे क्रिएटर्स जो है उनको नहीं पता है, आप जैसे व्यूअर्स को नहीं पता है, सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है। और ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि चैनल की ग्रोथ के बारे में, लाइक चैनल की ग्रोथ उतनी क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या रीज़न है। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं और बताऊं कि यूट्यूब के सीक्रेट्स के बारे में, यूट्यूब के अंदर की चीज़ों के बारे में, यूट्यूब में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा, कुछ खुलासा मैं करूंगा। तो आप ज़रूर ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिट ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने चैनल शुरू किया था मार्च 14, 2017 को। आज लगभग 1 साल 8 महीने हो चुके हैं। मैंने हर तरीका अपनाया है यहाँ पे, और मुझे पता है, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है कि मैं आप सभी के सामने कुछ शेयर करूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे यूट्यूब का सिस्टम कैसे काम करता है। आप एक बार सर्च करके देखिए कोई भी टॉपिक यूट्यूब पर, देखो उस पर कितनी सारी वीडियोज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कीजिए हाउ टू कुक बिरयानी, हाउ टू कुक वेज बिरयानी, सर्च कीजिए, देखो कि बहुत सारी वीडियोस होंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे यूट्यूब कैसे जो वीडियोस हैं स्टार्टिंग पे वो डालता है, टॉप 10 पे कैसे वो वीडियोस डालता है, ठीक है। तो एक क्रिएटर को क्या करना होगा जिस वजह से उसकी जो वीडियो है वो स्टार्टिंग पे रैंक होगी। बहुत सारे लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग पर ध्यान देते हैं, बोलते हैं कि यार इन पर काम करो, मेरे लिए ये कुछ नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये तरीका सब कोई अपनाता है। कोई क्रिएटर ऐसा नहीं कि टाइटल नहीं देगा, टैग अच्छा नहीं देगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं देगा, सब कुछ होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO भी सब कोई करते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है। मान लो कि 50% नहीं कर रहे हैं, तो 50% कर तो रहे हैं, तो 50% में फिर से टॉप 10 में कैसे आएगा। तो इनका महत्व सिर्फ मैं बोलूंगा तो 1 या 2% ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब हर कोई ये काम करता है। यहाँ पे जो YouTube का एल्गोरिथम, अगर मैं आपको बताऊं, YouTube का एल्गोरिथम किसी को नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, YouTube को इवन नहीं पता है, तो आपको क्या पता होगा। तो यहाँ पे हम बस अंदाजा लगा सकते हैं वॉच टाइम के बारे में। हम अंदाजा लगाकर ये बोल सकते हैं कि YouTube का जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम मतलब जो व्यूअर्स है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ वॉच टाइम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वीडियो है, सपोज ये वीडियो की लेंथ है 5 मिनट, अगर ऑन एन एवरेज एक इंसान इसको 3 मिनट तक देख रहा है, तो वॉच टाइम हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 3 मिनट है, ठीक है। तो ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे बहुत अहम रोल अदा करती है, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब यहाँ पे ये यह होता है कि कितने लोग, कितने प्रतिशत टाइम वो वीडियो को देख रहे हैं। 3 मिनट अगर देख रहे हैं 5 मिनट में, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है एक वीडियो पे, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉप लिस्टेड वीडियोस में आएगी, ठीक है। ये क्यों अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑडियंस रिटेंशन से क्या होता है, लॉजिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो ऑडियंस रिटेंशन से क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट है जिस वजह से लोग इसको देख रहे हैं। तो इससे बेसिकली यूट्यूब को फायदा हो जाता है, उसको रेवेन्यू मिल जाता है। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो एड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो आप कि जो वीडियो है उसके सामने प्लेस होती है, ठीक है। अगर ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो एड है वो भी लोग देखेंगे, तो उससे रेवेन्यू कमा सकता है यूट्यूब, और जो क्रिएटर से, मेरे जैसे जो क्रिएटर से, वो भी इसे पैसे कमा सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने दूँ, जो मैं कुछ नया सीख रहा हूँ वो आपके सामने पेश करूँ, और आपका काम क्या होता है कि आप मेरे से कुछ सीखें। उसके बदले हम जैसे क्रिएटर्स को, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज है, तो उसके बदले हमको कुछ पैसे मिल जाते हैं, बस यही काम होता है, और यूट्यूब को भी वहां से पैसे मिल जाते हैं। तो सबका यहाँ पे फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सच ये है कि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि ऐसे ही पड़ी रहती हैं, ठीक है। मेरे चैनल के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पे पहले अगर 250 वीडियोस मैंने बनाई है, स्टार्टिंग पे आप देखो जो वीडियोस हैं वो ऐसे ही पड़ी है, मतलब उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। वॉच टाइम कैसे बढ़ता है, वॉच टाइम एक वीडियो पे बढ़ता कैसे है, अगर लोग उसको देखेंगे, एक भी इंसान अगर उसको देखा, अगर वहां से रिटेंशन हो रहा है, तो धीरे धीरे एल्गोरिथम में वो आएगा वो वीडियो। अगर लोग देखेंगे नहीं तो वो वीडियो लिस्ट कहाँ होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से अगर 2-3 साल पहले YouTube के बारे में अगर मैं बताऊं, तो YouTube में कुछ था नहीं, मतलब बहुत गंदी गंदी चीजें थी। ट्रेंडिंग पे आप देखोगे लाइक बहुत घटिया घटिया चीजें थी। अभी तो वो थोड़ा उसमें कुछ सुधार आ गया है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप देख सकते हो ट्रेंडिंग पे, लेकिन वहां पे आप देखोगे बहुत गंदी चीजें हैं,
फिर भी लोग उसको देख, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो वहां पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे है वो, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू भी यूट्यूब जनरेट कर रहा है और यूट्यूब को पैसे मिल रहे हैं, क्रिएटर को पैसे मिल जाते हैं। ये एक अलग बात है। आजकल क्या होने लगा है कि अगर आपकी वीडियो में कंटेंट उस टाइप का नहीं है, मतलब एड फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब वीडियो पे एड नहीं डालेगा। ठीक है, अगर मेरा टेक चैनल है तो जाहिर सी बात है टेक पर एड्स आएंगे ही, अगर ब्यूटी चैनल है एड वहाँ पे भी आएंगे। लेकिन अगर आपका कुछ यूजर फ्रेंडली, लाइक एड फ्रेंडली कुछ भी वीडियो नहीं है, तो वहाँ पे एड्स नहीं आती है। यहाँ पे दोस्तों मेरे चैनल पे अगर मैं आपको एक एनालिटिक बताऊं, टोटल मेरे चैनल पे इम्प्रेशंस आए हैं। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वीडियो, ठीक है, यूट्यूब अपनी ओर से सजेस्टेड वीडियोस पे हो, किसी यूट्यूब के होम पेज पे हो, अगर वो दिखाता है यूट्यूब, लाइक अगर वो दिखाता है, थंबनेल आएगा वहां पे, टाइटल आएगा, तो वो क्या होता है, वो इम्प्रेशन होता है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, उस इम्प्रेशन को देखकर अगर आपका थंबनेल बहुत बढ़िया होगा, अगर टाइटल बढ़िया होगा, तो वहां से क्लिक करेंगे। मेरे चैनल पर आज तक अगर बोलूं तो एक्यूरेटली शायद नहीं बता पाऊंगा, 5 लाख के आसपास इम्प्रेशंस हुए हैं आज तक, 1 साल 5 8 महीने में। तो वहां से जितने लोग क्लिक करेंगे, उसको बोला जाता है क्लिक थ्रो रेट। ठीक है, अगर 10 में से 1 कोई क्लिक कर रहा है, तो क्लिक थ्रो रेट 10% हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्लिक थ्रो रेट लगभग 7% के आसपास है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 लोगों में से 7 लोग एक पर्टिकुलर थंबनेल को मेरा देखकर क्लिक कर रहे हैं। 7% ठीक ही होता है, कुछ बुरा नहीं होता है। मैंने खुद बहुत सारे चैनल्स पर ऐसे ऐसे इंप्रेशंस देखे हैं जिनको देखकर मैं खुद शॉक हो जाता हूँ। लाइक उनके चैनल पर लगभग 1 2 वीडियोज ही हैं, कंटेंट बिल्कुल सही नहीं है, लाइक कुछ कंटेंट ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब रेकमेंड करता है लाइक 5 to 6 मिलियन। मैंने एक चैनल पर देखा था कि उस पर 6 मिलियन इंप्रेशन था। मतलब बस समझ लो, यूट्यूब खुद अपनी ओर से रेकमेंड कर रहा है, क्लिक थ्रू रेट सेम 5 6% ही है, लेकिन यूट्यूब रेकमेंड कर रहा है 50 लाख 60 लाख बार। तो अब बताइए यहाँ पे पार्शियलिटी होता है कि नहीं यूट्यूब पे। तो ये चीजें ऐसी है, आपका कंट्रोल नहीं है। मैं जैसे क्रिएटर हूं, मैं अगर इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा, शायद मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। तो ये सब चीजों को हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बस, आप अगर पूछ रहे हो ग्रोथ के बारे में ना, तो मैं यही बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें होती है। इम्प्रेशन अगर यूट्यूब सजेस्ट करेगा एक चैनल की वीडियोस को 50 लाख बार 60 लाख बार, और अगर वहां से लोग देख रहे हैं उसको, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम तो, मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियोज दिखाऊंगा, तो मेरे चैनल पर अगर 5 लाख इम्प्रेशन आ रहे हैं, तो उससे 80 हज़ार व्यूज आ जा रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, अगर YouTube शो करेगा, तभी ना यहाँ पे व्यूज आएंगे, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे चैनल पे जो व्यूज आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो सर्च कर रहे हैं लोग सर्च करके आ रहे हैं। और ये नहीं कि 250 वीडियोज में ही, मतलब सारी वीडियोज मेरी रैंक होती है स्टार्टिंग पे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 250 में से 5 10 15 यही वीडियोज ही रैंक होती है, और कुछ जो है YouTube सजेस्ट करता है। तो ग्रोथ यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि किसकी ग्रोथ कैसी होगी, सब डिपेंड करता है यूट्यूब के एल्गोरिथम के ऊपर, जो कि किसी को नहीं पता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ये करने वो करने, कुछ नहीं होता है। मैंने खुद महसूस किया है कि आप बस टाइटल वगैरह तो आपको देना ही है, सर्च एसईओ तो आपको करना ही है, उसके बाद डिपेंड करता है यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब यहाँ पे क्या कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के अंदर की चीज़ों के बारे में, और यूट्यूब में चैनल्स की ग्रोथ कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लाता रहूँगा देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।